नमस्ते, मैं हूँ आशियोर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशियोर टिप्स में। तो आज हम और कुछ नई इजी एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं, और ये स्पेशल एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं लेडीज़ के लिए, यानी महिलाओं के लिए। आप सभी के बॉडी में इतना फैट जमा हो चुका है कि आप परेशान हो चुके हैं। ये इजी एक्सरसाइजेज है, आप कहीं पर भी बैठे हैं आप ये कर सकते हैं। तो इनमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी होगी जो आप आराम से बेड पर भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी जो आप आराम से टीवी देखते देखते हुए भी आप कर सकते हैं, या अदर कोई काम कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और ऊपर और मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप अपने घर के काम करते करते भी इस चीज़ को फॉलो करके आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं हम आज मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना वो लास्ट की स्पेशल टिप जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए सबसे पहले सबसे इजी एक्सरसाइज देखते हैं जो कि थाइस के लिए देखते हैं। एक्चुअल में इंडिया में बहुत ज़्यादा लेडीज़ में थाइस पे फैट जमा होता है, तो उसके लिए सबसे इजी एक्सरसाइज है ये वाली कि अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। और आप धीरे धीरे से अपने दोनों पैरों के जो आपके घुटने हैं उनको ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से, बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह, ठीक है, इस तरह से करते जाइए। अब ये एक्सरसाइज आप कितनी देर के लिए करें, ये एक्सरसाइज आप 5 से 6 मिनट तक या 10 मिनट तक, आपको जितना कंफर्टेबल लगे, आप अपने थाइस को इस तरह से करेंगे अगर, तो आपकी बॉडी का फैट, आपके थाइस का फैट जाने लगेगा। आपके जो इनर थाई में बहुत ज़्यादा फैट जमा है जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत होती है, आपके रैशेज होते हैं जिनको आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। इस तरह से आपको बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए, आपकी जो पूरी थाइस है, आपकी जो लोअर बॉडी है वो इस तरह से मूव करेगी। जो आपकी कमर है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ही फैट जमा है और आपके पैर सिर्फ इतना हो, आपके पैर जो है इतना ही आपके नज़दीक आ पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। इतना नज़दीक ला के आप इस तरह से अपने दोनों हाथों से बीच में से पैरों को पकड़ लेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे अपने दोनों घुटनों को करेंगे इस तरह से, ठीक है। कमर एकदम सीधी और पेट जो है वो अंदर की तरफ खिंचा हुआ इस तरह से। ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 5 मिनट के लिए डेली करनी है, सुबह और शाम करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस तरह से। ये आप टीवी देखते हुए भी कर सकती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से लेंगे। अब धीरे धीरे जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आपको शिफ्ट करना है राइट एंड लेफ्ट साइड पे। इस तरह से ब्रीद इन करेंगे और शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ, आगे आइए, देन दूसरी तरफ से जो अपर बॉडी है वही शिफ्ट करेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आप बिगनर हैं तो आप धीरे से शुरू करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेट तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, एक बार आपको इस तरह से कंप्लीट करना है स्लो मोशन में, और एक बार आप क्या करेंगे दोनों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे। जो आपके एल्बो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ डाउन नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, और आप करेंगे थोड़ा स्पीड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमें कितनी बार करना है और इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है। इस एक्सरसाइज से आपके
चेस्ट का फैट जाएगा, आपके ब्रेस्ट का फैट कम होगा, आपके जो बैक में फैट इकट्ठा होता है उसका फैट जाएगा। इंडिया में लेडीज़ में पीछे की तरफ भी एक अलग से फैट जमा होता है और स्पेशली लेडीज़ में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये पीछे के आपका जो बैक का फैट है उसे कम करने में आपकी मदद करेगा, आपके ब्रेस्ट को एक अच्छा शेप देगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको कितनी बार करना है तो इसको आप कम से कम दिन में 100 बार कीजिए, जितनी देर करेंगे उतना अच्छा है। आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दोनों जो हाथ है वो हमें इस तरह से सीधे रखने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ये 1 2 3 4, एकदम मुट्ठी कड़क होनी चाहिए, हाथ जो है स्ट्रेट एकदम सीधे होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and then 30। रिलैक्स, ये एक्सरसाइज क्या करेगी, इससे आपके अपर हैंड्स का जो फैट है, आपके हाथों के आपके बाजुओं का जो फैट है वो जाएगा और आपके जो शोल्डर है उसे भी एक अच्छा शेप मिलेगा। कंधे झुक चुके हैं और जाम हो चुके हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ये कितनी बार करना है, तो इसको भी आप कम से कम 100 बार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कम्फर्ट के अकॉर्डिंग आप कितना भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो इन सारी एक्सरसाइज को सुबह मत कीजिए, शाम के वक्त अगर करेंगे तो भी ठीक ही रहेगा। तो अब देखते हैं हमारे टमी के लिए। ठीक है, तो अब टमी के लिए इस तरह से दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेंगे और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब पीछे की तरफ जो बॉडी है वो इस तरह से लेंगे, पूरी जो अपर बॉडी है वो पीछे की तरफ। अब इस तरह से पैर को खींचते हुए अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हो गया 20। ठीक है, तो और देखते हैं अब ये वाली एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, तो ये भी मैं वीडियो के अंत में बताती हूँ। अब ये एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, अब लेट जाते हैं और हमारे टमी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज देखते हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, इस तरह से अपनी अपर बॉडी को इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से उठा लेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ लाइए। 1, जो आपके हाथों का सपोर्ट है वो मैट पर खुली उंगलियों से इस तरह से होना चाहिए, एल्बोस को होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब हम एक बार और रिपीट करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से ही जो अपर बॉडी है उसे उठाएंगे, इतना एल्बो का पूरा सपोर्ट, हाथ में पाम्स की पूरी सपोर्ट मैट को, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। जितना स्लोली इस एक्सरसाइज को करेंगे रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे। जो अपना पेट है, जो टमी एरिया है वो एकदम इंगेज, बिजी होना चाहिए, खिंचा हुआ होना चाहिए। ब्रीद इन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, 1 नीचे लाइए, 2 3 4 5, मैट पे नहीं रखना इस बार, 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स,
थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग कर लेते हैं. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, इस तरह से. अब हम एक बार ये पूरी बॉडी को, अब कभी भी झटके से खड़े नहीं होंगे, साइड वाइज खड़े होंगे इस तरह से. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइजेस. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. अगर आपको और भी एक्सरसाइजेस चाहिए और इसी वीडियो का आपको नेक्स्ट वर्जन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना. आप लेडीज़ के लिए स्पेशल वीडियो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, तो कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसी तरह से ईजी ईजी एक्सरसाइजेज आपकी डेली लाइफ के लिए चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को शेयर करो ताकि वो भी अपनी बॉडी के फैट को कम कर पाएँ. अगर वो डीमोटिवेट हो चुकी हैं तो उन्हें मोटिवेट करो. और मुझे मोटिवेशन देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे ज़रूर बताना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. तो मिलते हैं नए वीडियो पर आपके ही टॉपिक के साथ. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय बाय.